नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं अप्रैल का महीना खत्म होने को है और भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है और लगभग तापमान मैं समझता हूँ 40 डिग्री या उससे थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है और सभी लोग इस गर्मी से परेशान हैं। तो इस समय में हमें आवश्यकता होती है शीतल जल की। सभी को लगता है बढ़िया ठंडा पानी मिल जाए, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, ठंडा पानी के लिए हम ज़्यादातर फ्रिज पे डिपेंड रहते हैं और फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं और उस पानी को हम यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के बाद पानी जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो थोड़ा देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या कि गले में खराबी, खराश, ये सारी समस्याएँ होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम नेचुरल जो ठंडापन आपको चाहिए प्राकृतिक रूप से, तो आपको घड़े का उपयोग करना चाहिए। और अभी मैं खड़ा हूँ गांधी चौक और इंदिरा चौक के बीच में, यहाँ पर बता दूँ काफ़ी सारे घड़े हैं और सभी जानते हैं, हमने भी बचपन से सुन रखा है चंदिया के घड़े। तो चंदिया के घड़े न सिर्फ मतलब हमारे शहडोल ज़िले में या संभाग में प्रसिद्ध है, बल्कि दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है। तो चलिए मैं आपको चंदिया के घड़े दिखलाता हूँ, क्या इसकी कीमत होगी इस समय वर्तमान में और कैसे यहाँ का रहता है, चलिए हम बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे चंदिया के घड़े हैं जी। हाँ, ये देखिए चंदिया के घड़े न सिर्फ अपने शहडोल क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में अपनी एक खास पहचान रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं। इसका पानी आपको फ्रीजर की तरह ठंडा नहीं मिलेगा, लेकिन प्राकृतिक जो ठंडाई होती है, पानी की शीतलता होती है, वह आपको इससे प्राप्त होगी। और काफ़ी अच्छे घड़े नज़र आ रहे हैं। घड़े के अलावा यहाँ पर सुराही भी है, देख सकते हैं। और सुराही के बाद एक और अलग से देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हम जानने का प्रयास करेंगे ये है क्या, ये क्या चीज़ है भैया? बॉटल है। अच्छा जी हाँ, तो जैसा कि प्लास्टिक बॉटल होती वैसे यहाँ पर मिट्टी के बॉटल्स भी आ चुके हैं। ये बॉटल का क्या कीमत है? 80। जी हाँ, तो ये बॉटल का कीमत 80 रुपये है और हम थोड़ा सावधानी से रखेंगे। और ये जो सुराही है 80 और घड़ा जो है 110। जी हाँ, तो आपने देखा कि बॉटल और सुराही दोनों 80-80 रुपये का है और घड़ा जो है वो लगभग 110 रुपये का है। तो मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो आपको कुछ कम ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मैं बतला दूं कि पिछले 2 वर्ष से हम सभी मतलब बेचारे आते थे चंदिया के घड़े, लेकिन कोविड के कारण ये घड़े आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते रहे। लेकिन इस साल जो है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग आ रहे हैं और हर 2-3 दिन में यहाँ पर घड़े उतरते हैं, माल उतरता है नया, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर घड़ा वगैरह। तो आइए हम यहाँ पर बाबा से बात करते हैं। तो बाबा आप कहाँ से आते हैं? चंदिया से है ना। तो केवल मतलब शेड्यूल में यहीं पर लगाएं कि और कहीं कहीं भी लगाएं? बहुत जगह लगाए, चारों तरफ लगाए, चार पांच जगह ना। चेस्टम है, बिलासपुर, तुम्हारे बिजली जी। तो बतला दो कि जो चंदिया का घड़ा होता है वो एक अपनी अहमियत रखता है, सभी जानते हैं चंदिया घड़ा काफ़ी अच्छा और अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं ठंडा पानी के मामले में। और इसके अलावा घड़े के अलावा गर्मी के जो फल होते हैं जैसे कलिंदर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं, कलिंदर है, तरबूज है, पपीता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको खीरा ककड़ी भी दिखलाना चाहूँगा, खीरा और ककड़ी भी यहाँ पर है, ये देखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर खीरा, ककड़ी, कलिंदर, तरबूज वगैरह भी मिल रहा है, जो कि गर्मी में काफ़ी ज़रूरी रहता है ये सब फलों को खाना, क्योंकि जलीय फल होते हैं, नदी के किनारे ज़्यादातर होते हैं ये सारे फल वगैरह, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं, मैं भी काफ़ी पसंद करता हूँ। और देख सकते हैं गर्मी है तो लोग थोड़ा सा धूप से बच भी रहे हैं, और ज़रूरी भी है थोड़ा सा धूप से बचना, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर निकलना उचित नहीं रहेगा। ककड़ी कैसे किलो दे रहे हैं भैया? 30 रुपये। और खीरा 20। तो आपको मैं बता दूं ककड़ी 30 रुपये, खीरा 20 रुपये है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बढ़िया आप भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए ककड़ी खीरा।
अभी हम आ गए हैं स्थानीय राजन टाकी चौराहा के पास में, और बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का सिग्नल्स पे। तो यहाँ पे मैं रुकने का मेरा एक उद्देश्य था, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज बहुत अच्छा दे रहा है, यहाँ पर पेड़ का एक जड़ है और तना है थोड़ा सा बचा हुआ, तो काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि कैसे वृक्ष का हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेव ट्री। जी हाँ, अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हमें रोकनी होगी। हम ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि कम से कम हम एक पौधा लगाएं, एक वृक्ष लगाएं, ताकि वह बड़ा होकर हमें छाया दे सके, हमें ना सही हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को छाया दे सके। तो देख सकते हैं दूसरा दृश्य मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, हरा भरा पेड़ है, उसके छाँव के नीचे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चीज़ें हैं ऐसी कि भाई गर्मी से अगर आपको बचना है या प्रकृति को सहेज के रखना है तो वृक्षों का हमें संरक्षण करना पड़ेगा, वृक्षों का हमें बचा कर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक पौधा तो हम अपने स्तर से लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और जिन्होंने भी हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारा शेड्यूल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।